गॉडफादर जैसी एवरग्रीन फिल्म में अपनी अदाकारी से हर किसी को दीवाना बना देने वाले हॉलीवुड के सुपरस्टार एल पचीनो को कौन नहीं जानता। अमिताभ बच्चन से लेकर दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गज कलाकार तक उनकी फिल्मों से और उनके किरदारों से प्रभावित होकर उनसे प्रेरणा लेते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एल पचीनो बॉलीवुड के एक सुपरस्टार, एक दिग्गज कलाकार की एक फिल्म से प्रभावित होकर उससे प्रेरणा लेकर ऑस्कर तक जीत चुके हैं। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार नसीरुद्दीन शाह की, जिनसे एल पचीनो प्रभावित हुए और उसके बाद उन्होंने ऑस्कर जीता। आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। एल पचीनो हॉलीवुड का वो मशहूर नाम है जिसने गॉडफादर, स्कारफेस, वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड, सी ऑफ लव और सरपीको जैसी कई शानदार फिल्मों में काम करके अपनी अलग पहचान बनाई है। उनकी फिल्म सरपीको से ही बच्चन साहब का जंजीर वाला एंग्री यंग मैन का किरदार इंस्पायर है। एल पचीनो की फिल्में स्कूलों में बच्चों को अभिनय के बारे में जानकारी देने के लिए दिखाई जाती हैं। जहां दुनिया भर के बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े दिग्गज एल पचीनो की मूवीज देखकर, उनके किरदार को देखकर प्रेरणा लेते हैं, वहीं एल पचीनो ने बॉलीवुड के मशहूर नसीरुद्दीन शाह की फिल्म देखकर प्रेरणा ली और ऑस्कर जीता। दरअसल साल 1992 में एल पचीनो की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था सेंट ऑफ अ वुमन। इस फिल्म में उन्होंने एक अंधे आदमी फ्रैंक स्लेट का किरदार निभाया था जो आर्मी से रिटायर्ड कर्नल था और जिसे किसी भी तरह की हमदर्दी से शदीद नफरत होती थी। सूत्रों के मुताबिक एल पचीनो ने इस किरदार की बारीकियों को समझने के लिए 1980 में बॉलीवुड में रिलीज हुई फिल्म स्पर्श को देखा था। इसमें नसीरुद्दीन शाह ने एक अंधे आदमी का किरदार निभाया था और उसका नाम था अनिरुद्ध परमार। इस फिल्म में नसीर ने दिखाया कि एक नेत्रहीन आदमी अपनी जिंदगी कैसे गुजारता है और कैसा महसूस करता है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक अंधा व्यक्ति स्पर्श के आधार पर सही गलत लोगों की पहचान करता है। नसीरुद्दीन शाह के साथ इस फिल्म में मुख्य किरदार में शबाना आजमी थी और उन्होंने एक ऐसी औरत का किरदार निभाया था जिसकी शादी के 3 साल के अंदर ही उनके पति की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद वो काफ़ी अकेला महसूस करती हैं। एल पचीनो की फिल्म सेंट ऑफ अ वुमन और नसीरुद्दीन शाह की फिल्म स्पर्श के किरदारों में काफ़ी समानताएं हैं, जैसे दोनों के चलने का तरीका, दोनों की जिंदगी में ही एक अधूरेपन का एहसास रहता है जो एल पचीनो और नसीर की अदाकारी में साफ दिखाई देता है। शायद यही वजह है जो एल पचीनो और नसीरुद्दीन शाह को दुनिया के सबसे बेहतरीन एक्टर्स की लिस्ट में रखा गया है। अपनी फिल्म स्पर्श के लिए नसीरुद्दीन शाह को बेस्ट एक्टर के नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था और वहीं दूसरी तरफ एल पचीनो को साल 1992 में उनकी फिल्म सेंट ऑफ अ वुमन के लिए ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया था। अगर हम ये कहें कि नसीर की वजह से एल पचीनो को ऑस्कर मिला तो गलत नहीं होगा। नसीरुद्दीन शाह और एल पचीनो दोनों ही अपनी अपनी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, दोनों की ही अदाकारी का कहीं मुकाबला नहीं है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बॉलीवुड में नसीरुद्दीन शाह जैसे ऐसे एक्टर हैं जिन्हें हॉलीवुड के लोग कॉपी किया करते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेली बज़ इंडिया।